कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ कोर्ट रूम में डिस्कस नहीं होते, बल्कि पूरी सोसाइटी उस केस को जानना चाहती है। लोग उस केस को डिस्कस करते हैं क्योंकि वो अपने आप में बहुत यूनिक या इम्पॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है वो हाई प्रोफाइल होते हों या किसी भी और वजह से। आज भी हम जिस केस के बारे में डिस्कस करेंगे, कहने के तो वो एक सिंपल मर्डर केस है, लेकिन वो अपने समय का एक हाई प्रोफाइल केस है। और वो एक ऐसा केस है जो अपनी तरीके से बहुत ही यूनिक है, क्योंकि वो एक पहला केस था जिसमें ज़्यादातर पब्लिक अक्यूज्ड के पक्ष में बात कर रही थी। हर कोई चाहता था कि उसे जेल ना हो। वो एक ऐसा केस है जिसमें मीडिया उस अक्यूज्ड के पक्ष में थी। मीडिया भी चाहती थी कि उसे सज़ा ना हो। वो एक ऐसा केस है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और गवर्नर, उनको भी कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे जवाब देना पड़ा। वो एक ऐसा केस है जिसमें जो अक्यूज़ थे वो जब कोर्ट में आते थे तो अपनी नेवल की ड्रेस में आते थे विद ऑल हिज मेडल्स। और उस समय जब वो कोर्ट में आते थे तो लड़कियां बहुत सज धज कर आती थी उनको देखने के लिए। वो एक ऐसा केस है जो लास्ट था इंडिया में ज्यूरी ट्रायल में, उसके बाद कोई ज्यूरी ट्रायल नहीं हुआ। वो एक ऐसा केस है जिसमें प्रोवोकेशन और कूलिंग पीरियड को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। वो एक ऐसा केस है जिसने एक बडिंग लॉयर को इंडिया का सबसे पावरफुल एंड वन ऑफ द बेस्ट सीनियर एडवोकेट बनाया, एक क्रिमिनल लॉयर बनाया, नन अदर देन राम जेठमलानी। इस केस में और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोगों ने आगे बहुत अच्छी पोजीशंस हासिल की, जैसे कि जो ओपन प्लीडर थे हाई कोर्ट में, ही वाज नन अदर देन वाई बी चंद्रचूड़, हु इज़ अ फॉर्मर सीजे ऑफ इंडिया। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस केस के बारे में बात कर रही हूँ। यस, दिस इज़ नन अदर देन के एम नानावटी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया सिपाहा और आज हम जिस केस को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ के एम नानावटी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस हर लॉ स्टूडेंट पढ़ता है, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब भी हम जनरल एक्सेप्शन पढ़ते हैं आईपीसी में, तो प्रोवोकेशन में इस केस को ज़रूर डिस्कस किया जाता है, क्योंकि इस केस में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी। बात है 1959 की, जब के एम नानावटी, हु वॉज अ नेवल कमांडर, ही मर्डर्ड हिज फ्रेंड प्रेम आहूजा, अ वेरी वेरी हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन। अब हम थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में आते हैं। बेसिकली नानावटी वॉज अ नेवल कमांडर, ही स्टडीड इन इंग्लैंड, उनकी पढ़ाई वहाँ हुई थी। जब वो पढ़ने गए थे तो वहीं उनकी मुलाकात सिल्विया नाम की एक लड़की से हुई थी जो कि क्रिश्चियन थी, और जो नानावटी थे वो पारसी थे, और उन लोगों ने शादी कर ली। शादी होने के बाद उनके कई ट्रांसफ़र्स हुए अपनी उनकी पोस्टिंग की वजह से, और फाइनली ये जब केस हुआ उस समय उनकी पोस्टिंग मुंबई में थी, उस समय का बॉम्बे। उस समय चूँकि उनकी पोस्टिंग नेवल में थी तो उनको बहुत समय के लिए बाहर जाना पड़ता था। चूँकि वो बाहर जाते थे, ऐसे में उनकी वाइफ जो थी वो अपने आप को बहुत अलूफ फील करा करती थी। ऑल्दो उनके तीन बच्चे थे और वो हैप्पीली मैरिड थे, लेकिन जब वो एक बार बहुत लंबे समय के लिए बाहर गए, उसी दौरान उनकी वाइफ का जो फ्रेंड सर्कल था उसमें प्रेम आहूजा नाम का भी एक बहुत ही हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन था, और वो सिंधी था। उससे सिल्विया की दोस्ती हुई, दोस्ती कुछ ज़्यादा बढ़ गई, वो लोग पार्टीज़ में साथ जाने लगे, वो लोग साथ में घूमा करते, वो लोग हर जगह साथ रहा करते, और वो रिलेशनशिप ने अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो जब के एम नानावटी जब अपनी ड्यूटी से वापस आए तो उनको सिल्विया का जो एटीट्यूड था, बिहेवियर था, वो कुछ चेंज लगा। जब उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश करी तो वो थोड़ी सी कटी कटी से रहीं। फाइनली सिल्विया ने खुद ही बता दिया कि उनका अफेयर जो है वो प्रेम आहूजा से है। नानावटी को बहुत बुरा लगा, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत झटका लगा। फिर भी उन्होंने पूछा उनसे कि क्या वो तुमसे शादी करेगा, क्या वो जो हमारे बच्चे हैं उनको अपने साथ रखेगा। तो सिल्विया ने कहा मुझे नहीं पता कि वो ऐसा करेगा कि नहीं करेगा। तो नानावटी ने कहा ठीक है। उसी समय चूँकि ये बहुत दिनों बाद लौटे थे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि कोई फिल्म देखने के लिए जाएं, बच्चे उस वक्त प्लान बना चुके थे।
उसी समय थिएटर में मेट्रो सिनेमा में एक मूवी लगी थी जिसका नाम था टॉम थंब। तो नानावती जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है, अपनी वाइफ को और बच्चों को कहा कि मैं तुम लोगों को मूवी दिखाने के लिए ले चलता हूँ। उसके बाद वो उन लोगों को मूवी में ले गए। वहाँ पे उन लोगों ने अपने बच्चों को और सिल्विया को बिठाया और बोला कि मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। वहाँ से वो गए अपने शिप पर। शिप पर जो उनकी जो ऑफिशियल जो रिवॉल्वर थी जो उन्होंने सरेंडर कर रखी थी उसको उन्होंने वापस लिया, बाकायदा एंट्री करी और वो रिवॉल्वर उन्होंने ली विथ 6 कार्ट्रिज। उन्होंने वो गोलियों के साथ वो रिवॉल्वर ली और उसके बाद वो सीधे प्रेम आहूजा के ऑफिस पहुँचे। ऑफिस पहुँचे तो पता चला कि प्रेम आहूजा वहाँ नहीं है, तो वो वहाँ से उनके घर पहुँचे। घर जब पहुँचे तो सीधे उस समय उनके घर में एक सर्वेंट था जो हमेशा रहा करता था वो था, और उनकी बहन भी वहाँ मौजूद थी, वो दोनों थे। लेकिन सर्वेंट ने जाते हुए देखा था, बहन दूसरे कमरे में थी, उन्होंने उसको जाते हुए नहीं देखा था। वो सीधे उसके प्रेम आहूजा के कमरे में गए। उसके बाद फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि एज़ पर दैट डोमेस्टिक हेल्प जो वहाँ पे सर्वेंट था उनका ये कहना था कि वो आए नानावती और सीधे कमरे में चले गए। वहाँ पे उसके थोड़े ही समय बाद उनको 3 गोलियों की आवाज़ सुनाई दी और 3 गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद ये घबरा कर वापस रूम के बाहर आए, किचन के बाहर आए जहाँ काम कर रहा था। बहन भी बाहर आ गई तो जो नानावती वो सीढ़ियों से उतरे और उस सर्वेंट को कहकर गए कि मैं जा रहा हूँ सरेंडर करने। और फिर वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच गए। पुलिस स्टेशन में वहाँ पे जो उस वक्त ऑफिसर थे वो मिस्टर लोबो थे, वहाँ पे उन्होंने जाके कह दिया कि मैंने प्रेम आहूजा को गोली मार दी है और मैं सरेंडर कर रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने प्रेम आहूजा का मर्डर कर दिया है या उसे मार डाला है, उन्होंने कहा मैंने उसे गोली मार दी है और फिर उन्होंने वहाँ सरेंडर कर लिया। इसके पहले उन्होंने अपने जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनको भी ये बात बता दी थी। वो लोग भी बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि जो नानावती थे वो कंसिडर किए जाते थे बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स में से और एक अच्छे इंसान में। उनके मुंह से ये बात सुनना कि उन्होंने किसी को गोली चला दी है ये अपने आप में बहुत ही अजीब सी चीज़ थी जो जल्दी विश्वास नहीं होता किसी को। तो उन्होंने जब ये बात बताई तो ऑब्वियसली वो उन्होंने खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दिया था और लेटर ऑन ये केस चला, कोर्ट में चला। जब कोर्ट में गया तो कहानी कुछ इस तरीके से आई। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि उन्होंने सिल्विया ने इस चीज़ का कन्फेशन किया था कि उनका अफेयर है। ये बात सुनकर प्रेम आहूजा को प्रोवोक हो गए थे, उनको बहुत बुरा लगा था और उनको बहुत गुस्सा भी आया था और इसलिए वो बकायदा अपने बीवी और बच्चों को थिएटर में छोड़कर शिप पर गए। वहाँ से उन्होंने रिवॉल्वर ली और वो सीधे प्रेम आहूजा के कमरे में गए। जब वो वहाँ पे कमरे में गए तो प्रेम आहूजा नहा कर आए थे तुरंत और उन्होंने सिर्फ टॉवल पहनी हुई थी। उन्होंने जाकर एज़ पर डिफेंस लॉयर जो डिफेंस का जो वर्जन था यानी नानावती जी का जो वर्जन था उसमें ये कहा गया कि वो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने प्रेम आहूजा को पूछा कि तुम्हारा मेरी वाइफ के साथ अफेयर है तो तुम क्या मेरी वाइफ से शादी करोगे और क्या तुम मेरे बच्चों को अपनाओगे। इस पर प्रेम आहूजा ने कहा कि मैं जितनी भी औरतों के साथ सोता हूँ तो क्या मैं सबसे शादी कर लेता हूँ। इस बात से नानावती और ज़्यादा प्रोवोक हो गए और दोनों में हाथापाई हुई। जब दोनों में हाथापाई हुई तो जो एक एनवलप के अंदर जो रिवॉल्वर रखी हुई थी जो लोडेड थी वो चल गई और 2 गोलियां गलती से चल गई। उसके बाद एक गोली उन्होंने और उनको मार दी, मतलब नानावती ने प्रेम आहूजा को मार दी। और उसके बाद बिना ये देखे कि वो मर चुके हैं कि नहीं मर चुके, वो सीधे नीचे गए और उन्होंने उनके सर्वेंट से कहा कि मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ और जाके वो पुलिस स्टेशन पहुँच गए और उसके पहले उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को भी बताया। ये एक वर्जन नानावती की तरफ, लेकिन दूसरा पक्ष इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि वो कल्पेबल होमिसाइड है, दैट टू नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, बल्कि उनका ये कहना था कि ये कल्पेबल होमिसाइड है अमाउंटिंग टू मर्डर एंड दैट टू इट इज़ अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, प्रीमीडिएट मर्डर। क्यों प्रीमीडिएट मर्डर था? क्योंकि जब नानावती को ये बात पता चली कि उनका अफेयर है सिल्विया का तो वो बाकायदा अपने बीवी बच्चों को मेट्रो सिनेमा में ले गए, वहाँ पे उन्होंने उनको बिठाया, फिर शिप पे गए, बाकायदा उन्होंने रिवॉल्वर ली, उसमें गोलियाँ भरी, ऑफिस गए,
प्रेम हो जाएगी, वहाँ से फिर वो उनके घर गए, और घर जाने के बाद अगर उनका आर्ग्यूमेंट भी हुआ था, और जिस तरह से वो कहते हैं कि उनका आर्ग्यूमेंट हुआ था, तो आर्ग्यूमेंट होने के बाद अगर हाथापाई हुई उस आर्ग्यूमेंट की वजह से, तो जो प्रेम आहूजा ने जो टॉवल पहनी थी वो वैसी की वैसी कैसे है? क्योंकि जब पुलिस पहुंची तो उनकी बॉडी ज़मीन पे थी, पूरी ब्लड चारों तरफ फैला हुआ था, और जो टॉवल थी वो वैसे की वैसे ही इंटैक्ट थी। तो कहा था अगर हाथापाई हुई तो कुछ तो वो होना चाहिए था। दूसरा, वो कमरे में जो चीज़ें जैसी थी वो वैसी ही पड़ी थी। अगर लड़ाई हुई है, हाथापाई है, तो चीज़ें भी इधर उधर हो जानी चाहिए, वो भी नहीं वहाँ पे था। और तीसरी चीज़, इसका क्या वो, ये इसका भी कोई प्रूफ नहीं था कि प्रेम आहूजा ने इस तरीके का कोई स्टेटमेंट दिया था। चौथी चीज़, अगर वो सिर्फ बात करने के लिए गए थे तो रिवॉल्वर लेकर क्यों गए थे? इन सारी बातों के जवाब में नानावटी का ये कहना था कि वो रिवॉल्वर लेकर इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने ये सोच रखा था कि जिस समय प्रेम आहूजा वो ये कहेंगे कि वो तैयार हैं उनकी बीवी और बच्चों को अपनाने के लिए, तो वो अपने आप को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे। और इस बात का कन्फेशन कोर्ट में सिल्विया ने भी किया था। सिल्विया ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि मैं खुद को मार डालता हूँ और रास्ते से हट जाता हूँ। तो सिल्विया ने ये कहा था नानावटी से कि आप क्यों मरेंगे, गलती मेरी है तो मेरी डेथ होनी चाहिए। तो ये उनके सपोर्ट में बातें थी इस तरह के आर्ग्यूमेंट में। अब इस केस में दो इश्यूज बहुत ज़्यादा डिस्कस हुए। पहला तो, क्या वो मर्डर जो था वो हीट ऑफ मोमेंट में प्रोवोकेशन की वजह से हुआ था, या वो प्रीमीडिएट मर्डर था, एक सोचा समझा कोल्ड ब्लडेड मर्डर। दूसरी चीज़, उसे मर्डर की कैटेगरी में रखें या कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में रखें। देखिए, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है और इसका डिफरेंस क्या होता है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। बेसिकली मर्डर में जब भी कुछ चार्ज होता है तो उसमें पनिशमेंट ज़्यादा होती है, और कल्पेबल होमिसाइड होता है तो पनिशमेंट कम हो जाती है। इसको आप सिंपल तरीके से समझ लीजिए। मगर अब इस पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन। इस केस में प्रोवोकेशन और कूलिंग पीरियड को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया और डिस्कस भी किया गया। सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 300 ऑफ IPC एज एन एक्सेप्शन। मतलब वो एक्सेप्शन के तौर पे बताई गई है कि अगर ऐसा होता है तो फिर किसी भी अक्यूज्ड को हम ये कह सकते हैं कि वो मर्डर नहीं है बल्कि वो कल्पेबल होमिसाइड है। उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज़ द अक्यूज्ड हैड बीन प्रोवोक्ड बाय द डिसीज्ड। द सेकेंड, प्रोवोकेशन नीड्स टू बी सडन। थर्ड, प्रोवोकेशन नीड्स टू बी ग्रेव। देन द अक्यूज्ड हैड लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल और कंट्रोलिंग पावर। देन द अक्यूज्ड मस्ट हैव कॉज्ड द डेथ ऑफ द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन। Then the accused must have caused the death during the continuance of the deprivation of the power of self-control. जब ये केस चल रहा था, मैंने जैसा बताया कि लड़कियां जो हैं वो एकदम पागल थीं नानावटी के ऊपर, because he was really a handsome person, और बहुत अच्छे भी थे वो। उस समय सिल्विया भी पूरी हियरिंग में आया करती थी, और मीडिया में उनके बारे में सपोर्ट में इतनी चीज़ें कही गई थी। जो देश था, वो जो बॉम्बे था, वो एक तरीके से दो चीज़ में डिवाइड हो गया था। एक कम्युनिटी हो गई थी पारसी कम्युनिटी, और एक कम्युनिटी हो गई थी सिंधी कम्युनिटी। ऑब्वियसली सिंधी कम्युनिटी चाहती थी कि नानावटी को पनिशमेंट हो, लेकिन पारसी कम्युनिटी उनके सपोर्ट में थी, और बहुत सारे दूसरे लोग भी उनके सपोर्ट में थे, क्योंकि एक सिंपैथी गेन कर ली थी उन्होंने। सब ने ये कहा कि किसी ने भी अपनी वाइफ के बारे में अगर ये सुना होता तो वो वही करता जो नानावटी ने किया। ये एक ऐसा केस है जिसमें ज्यूरी ट्रायल हुआ था, और ये ज्यूरी ट्रायल इंडिया का लास्ट ज्यूरी ट्रायल था, क्योंकि ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो गया था। बेसिकली ज्यूरी तब हम अपॉइंट होती है, या ज्यूरी ट्रायल तब होता है जब किसी केस में डिसीजन बहुत लोगों के डिस्कशन से एक तरीके से लिया जा सके। इसमें पर्टिकुलरली 9 मेंबर्स थे ज्यूरी में, और जब ज्यूरी को डिसीजन देने के लिए कहा गया तो ये भी कहा जाता है कि ज्यूरी जो थी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। मीडिया में जितने भी स्टोरी आ रही थी, जितना पब्लिक नानावटी के पक्ष में थी, और इन सारी वजह से ज्यूरी जो थी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। एज अ रिज़ल्ट जब डिसीजन किया ज्यूरी ने दिया, तो इट वॉज 8-1। दैट मीन्स 8 ज्यूरी ने कहा, 8 पर्सन ऑफ द ज्यूरी ने कहा दैट ही इज़ नॉन गिल्टी,
वेयर एज एक पर्सन ने कहा दैट ही इज़ गिल्टी। जब जूरी ने नॉन गिल्टी बोला के एम नानावटी का, तो एक खुशी की लहर पूरी तरफ आ गई और सब बड़े खुश हो गए कि नानावटी इज़ नॉन गिल्टी। बट सेशन जज जो थे उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि नहीं, ये डिसीजन थोड़ा सा ऑकवर्ड है, तो उन्होंने इमीडिएटली उस डिसीजन को और उस केस को रीट्रायल के लिए हाई कोर्ट में रेफर कर दिया। जब हाई कोर्ट में ये केस डिस्कस हुआ, सो प्रोसिक्यूटर और डिफेंस दोनों ने ही इस चीज में वही आर्ग्यूमेंट्स को बोला, वही कि क्या प्रोवोकेशन जो होता है वो किस चीज़ से हुआ था, सिल्विया के कन्फेस करने से हुआ था कि उनका अफेयर है, और वो प्रोवोकेशन इतना बड़ा था कि उसमें इतना लंबा टाइम होने के बाद भी कूलिंग पीरियड नहीं था, या प्रोवोकेशन प्रेम आहूजा के स्टेटमेंट से हुआ था जिसका कोई प्रूफ नहीं है, या फिर दूसरी चीज़ कि वो टॉवल इंटैक्ट कैसे थी अगर हाथापाई हुई थी, और तीसरी चीज़ कि ये एक प्रीमीडिएट मर्डर था। सिमिलरली डिफेंस वालों ने ये कहा था कि नहीं, ये चीज़ जो थी खुद सिल्विया का कन्फेशन है कि उन्होंने कहा था कि वो शादी करवाना चाहते हैं, उसके बाद वो खुद को गोली मार लेंगे, और फिर वो उन्होंने उनके पास वहाँ बिठा के और गए थे एंड सो ऑन, कि ये जो था एक सिंपल कल्पेबल होमोसाइड है और उनका इंटेंशन नहीं था, ये प्रोवोकेशन में हुआ, हीट ऑफ मोमेंट में हुआ, इस तरीके से बहुत सारे डिस्कशन। हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की बातें समझी, मानी और सही ठहराई, और उसके देखते हुए के एम नानावटी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी इन 1961। ऑल्दो इस चीज़ को लेकर बाद में बहुत बोला गया कि उनको माफ़ कर देना चाहिए और ये डिसीजन गलत था, लेकिन इस डिसीजन को बरकरार रखा गया और उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो गई। के एम नानावटी को नेहरू जी के भी क्लोज़ कहा जाता था, डिफेंस मिनिस्टर जो मेनन थे उनके क्लोज़ भी कहा जाता था, और इस वजह से ये भी कहा जाता था कि जो विजयलक्ष्मी पंडित जो उस समय गवर्नर थी, उनकी भी सिंपैथी जो थी वो मीडिया और पब्लिक के लोगों के और उनके वर्जन को लेकर नानावटी की तरफ ज़्यादा थी। उस समय ये डिमांड करी गई थी कि गवर्नर को पावर होती है कि वो पार्डन कर सकते हैं, सज़ा ख़त्म कर सकते हैं या माफ़ कर सकते हैं किसी की, तो ये भी चीज़ उनसे कही गई, लेकिन ये चीज़ ऐसे ही डिसीजन नहीं लिया जा सकता, इसलिए उस समय उन्होंने जो गवर्नर थी उन्होंने वो डिसीजन उस समय नहीं लिया था। गवर्नर की पार्डनिंग पावर डिस्क्राइब करी गई है आर्टिकल 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच स्टेट्स दैट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव्स, रिस्पाइट और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटेड टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड। 3 साल तक नानावटी जेल में थे। 3 साल बाद एक और केस आया, एक भाई प्रताप नाम के सिंधी ट्रेडर थे जो अपने समय में फ्रीडम फाइटर भी थे, उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने एक ऑफेंस किया था लाइसेंस के इंपोर्ट में, कुछ उन्होंने उसका ऑफेंस किया था जिसकी वजह से उनको सज़ा हो गई। तो जब उनको सज़ा हो गई तब ये बहुत ज़्यादा लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट दिया था, इस तरह की दलीलें दी कि वो एक फ्रीडम फाइटर थे और उनका जो सर्विसेज थी वो नेशन के लिए बहुत ज़्यादा थी, उसके अपेक्षा जो उनका ऑफेंस था वो कम है, तो इसलिए उनको पार्डन जो है गवर्नर को अपनी पार्डन पावर को यूज़ करते हुए उनकी सज़ा को माफ़ कर देना चाहिए। उस समय विजयलक्ष्मी पंडित जो उस समय गवर्नर थी उन्होंने ये कहा कि ठीक है, उसी चीज़ का लोग ये कहते हैं कि उन्होंने फ़ायदा उठाया और सोचा कि पारसी और सिंधी कम्युनिटी दोनों को ही नाराज़ ना करते हुए उन्होंने के एम नानावटी की सज़ा को भी माफ़ कर दिया, और दूसरी ओर उन्होंने भाई प्रताप की सज़ा को भी माफ़ कर दिया, जिससे उन्होंने दोनों कम्युनिटी को सेटिस्फाई कर दिया, और इसकी वजह से के एम नानावटी जो है वो रिलीज़ हो गए और उसके बाद वो इंडिया छोड़कर कनाडा में चले गए, और अभी 2003 में उनकी डेथ हो गई है, और वहाँ वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहते हैं, रहा करते थे, और वाइफ और बच्चे ऐसा कहते हैं अभी भी है, रीसेंट अभी कोई नहीं जानता, मगर ये चीज़ें हुई थी उस समय। ये इतना हाइलाइटेड केस था कि इस पे इंडिया में 3 मूवीज़ बनी और तीनों ही सुपरहिट मूवीज़ थी अपने अपने समय की। इसके अलावा एक और लेटेस्ट वेब सीरीज़ भी बनी है इस पर्टिकुलर केस पे।
So that's all about this case. I hope you like the video, and if you like it, do not forget to hit the like button and subscribe my channel. आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर मुझे बताइए कि आप लोग ऐसे और कौन से केसेस को सुनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इन केसेस को डिस्कस करूँ. So that's all for today. See you soon. Take care. Bye bye.